देखिए जयराम जी अभी वापस आए हैं मणिपुर से, मुझे आए हुए दो दिन हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पर जो भी गतिविधियाँ रही चुनाव के दिन, एक फेज़ हो चुका है, दूसरा फेज़ कल है, तो उसकी तैयारी में जो कुछ हम कर सकते थे इलेक्शन कमीशन के साथ और वहाँ पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के साथ, जो भी वहाँ पर हमको संकेत प्राप्त हुए थे, जो अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से जो भी स्टेटमेंट्स इशू हो रहे थे, उस पर पूरी तरह से हम लोग संपर्क में रहे इलेक्शन कमीशन से और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से। उन्होंने कुछ कदम भी उठाए, लेकिन आज उसकी एक पूरी समीक्षा, क्योंकि जयराम जी देख कर आए हैं जो पहला राउंड हुआ है इलेक्शंस का, और जहाँ जहाँ विशेष, जहाँ संवेदनशील, विशेष संवेदनशीलता है, उसके बारे में आज बात की है, और थोड़ा सा विस्तार से आप बताएंगे अंग्रेजी में, आप बता दो सर क्या। पहले तो मैं बता दूं कि फरवरी के पहले तारीख को राज्य सरकार ने जो अंडरग्राउंड संगठन है, जो मिलिटेंट संगठन है, उनको करीब 15 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है, और पहले मार्च को करीब 95 लाख रुपए का पेमेंट किया है। ये पेमेंट होने के बाद जो वातावरण पैदा हुआ है, भय का, डर का, चार ऐसे ज़िले हैं मणिपुर में, चुरचांदपुर, कांगपोकपी, तेंगनूपाल और चांडेल, 11 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी हैं जहां लोग अपने मनमर्जी से वोट नहीं डाल पाएंगे। एक चरण हो चुका है, कल दो ज़िले में चुनाव होने वाले हैं, और ये जो पेमेंट किया गया है, 12 महीने से ये पेमेंट नहीं किया गया था, अचानक ये आचार संहिता का उल्लंघन है कि पहले फरवरी को ये पेमेंट किया करा जाता है और पहले मार्च को दूसरा पेमेंट किया जाता है। तो हमने इलेक्शन कमीशन को इसको अवगत कराया है, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है राज्य सरकार से, राज्य सरकार ने कहा है कि ऑनगोइंग परियोजना है। तो हमारा ये सवाल है कि ऑनगोइंग परियोजना है तो 12 महीने से कोई पेमेंट नहीं हुआ है, अचानक फरवरी के पहले तारीख को और मार्च के पहली तारीख को आप ये पेमेंट करते हैं। ये पेमेंट है, ये संगठनों को पेमेंट है, संगठनों के काडर को 3,000 रुपया दिया जाता है। ये परियोजना 2018 में शुरू किया गया था और 12 महीने के लिए, 12-15 महीने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया था गृह मंत्रालय से। अचानक पहले फरवरी को गृह मंत्रालय से जाता है राज्य सरकार को, और पहले मार्च को गृह मंत्रालय से राज्य सरकार को दिया जाता है, और राज्य सरकार उन संगठनों को ये समर्थन देती है। तो ठीक है, सरकार का कहना है कि ये ऑनगोइंग परियोजना है, और ये अगर ये ऑनगोइंग परियोजना है तो हर महीने पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है? सारे के सारे इकट्ठे पेमेंट, आप 12 महीने का पेमेंट पहले फरवरी को करते हो और पहले मार्च को करते हो, जहां मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू है। ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का सीधा और बेशर्मी से ये इसका उल्लंघन है। इसके अलावा कल जो चुनाव होने वाले हैं, 2 या 3 ऐसे सीट हैं जो बड़े संवेदनशील है, और हमने इलेक्शन कमीशन को अवगत कराया है, इनमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत है, हमारे उम्मीदवारों को सुरक्षा की ज़रूरत है। और एक और बात मैं कह दूँ, गृह मंत्री हाईरोक जाते हैं और एक मर्डर एक्यूज्ड, उसको बेल मिलता है जब गृह मंत्री हाईरोक में है। और हमने ये मांग की थी, जब तक चुनाव नहीं होता है वो जुडिशियल कस्टडी में उसको रखा जाए। वो बीजेपी एमएलए का भाई है, वो मर्डर एक्यूज्ड है, उसके खिलाफ FIR है, और जब गृह मंत्री हाईरोक पहुँचते हैं उसको बेल मिलता है। ये क्या, कैसा डेमोक्रेसी है मणिपुर में? तो बिल्कुल मैं समझता हूँ बीजेपी की ओर से मणिपुर नहीं, ये मणिपुर है, MONEYPOR,